किसी बात की प्रोग्रेस का अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि उसकी आज क्या स्थिति है और बीते हुए कल में क्या स्थिति थी। हम पुराने टाइम में डिफेंस के अंदर कोई एक्सपोर्ट करते ही नहीं थे, करीब करीब 100% इंपोर्ट करते थे। आज हम एक्सपोर्ट करने लगे हैं, और एक्सपोर्ट में भी छोटे मोटे आइटम्स नहीं, एक्सपोर्ट में हम कर रहे हैं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, तेजस, ब्रह्मोस मिसाइल, हम कर रहे हैं टोड आर्टिलरी गन्स, पिनाका मिसाइल, हम उसके अंदर तरह तरह के और बड़े हथियार बना रहे हैं और दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। अब एक आध देश को नहीं, 85 कंट्रीज को, इसका मतलब वाइड एक्सेप्टेबिलिटी है। इसको एक कंपनी नहीं बना रही, हिंदुस्तान में करीब 100 से ज़्यादा कंपनियां इन डिफेंस एक्सपोर्ट में लगी हुई हैं, यानी कि ये सर्वव्यापी होता जा रहा है। और तीसरी बात कि इसमें जो इंक्रीज हुई है इस साल में वो करीब 32% है, यानी कि आने वाले समय में इस बात का अंदाज़ा क्लियर कट हो जाता है कि हम आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत स्पीड और ग्रेस के साथ बढ़ रहे हैं, और आने वाले समय में ये बढ़ोतरी एक्सपोनेंशियल होने वाली है।